हेलो मंगल जी नमस्कार, मैं जीतू बोल रहा हूँ सर। वो अच्छा, पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी मेरे को कौन सी पॉलिसी? सर। ये 5 ईयर प्लान है, इसमें समझाना चाह रहा था। नहीं, ये नहीं चाहिए भाई, बहुत बेवकूफी है ये। सर आपकी वाइफ से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे, वो कह रहे थे कि आपसे बात कर ले एक बार। उसे क्या पता, पागल है वो, बेवकूफ है वो, दुनिया का थोड़ी पता उसे कुछ। सर आपके पापा जी भी वहीं बैठे थे, उनको तो इंटरेस्ट लग रहा था अरे वो। पापा जी, वो कौन से तहसीलदार है, उन्हें उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बेवकूफ है एक नंबर के। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मेरी पॉलिसी के पेपर, अरे मेरी तू क्या कंपनी। बताएगा, तुझे तुझे थोड़ी पता है, तू समय बड़ा बेवकूफ है यार, बताने सारी बेवकूफ है क्या? सारे बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। हेलो, सर आप पॉलिसी का फॉर्म मत भरिए, इसको इसको मत देखिए आप, ठीक है? लेकिन ये भी तो भर दो, ये तो आपके काम की चीज है। क्या भर दो? ये 8वीं का फॉर्म, 7वीं बार भरोगे आप 8वीं का फॉर्म? हो गई आपकी 8वीं? दुनिया का बेवकूफ कहने चले यार, आपकी खुद की 8वीं हुई नहीं अभी। कितने थे मार्क्स लास्ट लास्ट, कितने में फेल हुए आप? बल्कि 8वीं क्लास से खुद कह रही थी ये बेगैरत आदमी फिर आ गया, वो शर्मिंदा है, वो बार बार कहती है फिर आ गया, ये देखो। हो गई क्लियर? अबे तो तेरे घर से थोड़ी खा रहा हूँ, 8वीं पास नहीं हुई तो। हाँ पड़ोस वाले चिंटू को जानते हो आप? 9वीं क्लास में आ गया है वो। तो चिंटू को ट्यूशन वाले मिले अच्छे, या तो ट्यूशन वाला भी बता। शर्म नहीं आती? आपके साथ के जितने बच्चे थे सारे टीचर बन गए आपके, आप भी पढ़ा रहे हैं आगे, फिर दूसरों को बेवकूफ कह रहे हो आप। क्या आग लग रही है, तेरे से कुछ पैसे मांग लिए क्या? आपकी मार्कशीट, आपके पापा कह रहे थे मार्कशीट का अंडे की करेट है, इतने सारे पड़े में उसमें अंडे, फिर दूसरे को कहते हो। 7वीं के देख ले तू, मेरे मार्क्स फट के हाथ में आ जाएगी। इतने नंबर, अच्छा 42% कितने नंबर हैं, कितने हैं, कितने हैं? 42% नंबर, 42% पे आप बे शर्म तो आती होगी, जब साथ में बैठते होंगे सारे बच्चे कहते होंगे देखो कितनी बड़ी मूछें इस बच्चे की हैं। बात करने है, किससे बात करने है, कौन बोल रहा है, नंबर बता अपना। नंबर में नंबर में 10 डिजिट है, तुमसे ना बोले जाएगा, तुमसे याद भी ना होने का है। 8वीं तो क्लियर होनी, नंबर याद लिखेंगे वो, सब पता चल गया मेरे को। रेगुलर स्कूल में जाते थे वहां तो क्लियर होनी 4 साल में, फिर ओपन स्कूल में जाने लगे, ओपन स्कूल वाले कहने लगे ये क्या ड्रामा आया यार, ओपन में नंबर लाने में दिखना चाहिए, तू लाके दिखा दियो, 32% 38% में फट जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म आई हो ना, अपनी वाइफ से ले लो नंबर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सुना है बीए पास है, 62% है। हाँ मैंने कराई है उसकी, उसे पूछ तो लो रंग जगह हुई किससे। नहीं किसने किसने कराई, तुमने कैसे कराई है? जिंदा बैठाया उसको, पढ़ाया उसको। हाँ तो जब बीए की पढ़ाई उसे करवा रहे थे, अपनी 8वीं की भी कर लेते। 8वीं नहीं हो रही, और ना मेरी तो बीए तय है, बीए करनी है, चुटकियों में कर दूंगा बीए, समझ गया भाई। मैं कभी आपको फोन नहीं करता, ये तो दूसरों को बेवकूफ कहते हो ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को। चलिए सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का था, ये तो 8वीं की शर्म आनी चाहिए। आपके टीचर्स भी कहते हैं ये भगवान इसको निकाल दे, कि इस तरह हम देख देख के थक गए इसको, समझ गए आप? टीचर से इतना तो पूछ ले, एक्सी कैलकुलम में कितना एक्टिविटी में रहा आगे में, किसमें आगे रहता था, किसमें रहता था आगे, एक्सी कैलकुलम एक्टिविटी सारे कुत्ते, ये तो तेरे समझ नहीं आ रही, क्या कहेगा पढ़ा लिखा है तू, समझ गए? दूसरों का बेवकूफ मत करो, और कह रहे हो तो तू पहले 8वीं क्लियर करो, समझ गए? बेकार नहीं कर रहा, 8वीं क्लियर जा साले, सारे के सारे बेवकूफ। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूँ? नहीं नहीं, ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी, मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई ठीक है। अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है वो, इसीलिए फोन किया बेटे, कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है, तो बेटे पापा इसके है नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे, अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर? कल कितने बजे, कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। अंकल जी कल मॉर्निंग में ले लेते हैं, मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं, अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ, तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने काम दिया है, मैंने दिया है बेटे, कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं अभी। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो, ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है, और इसे आप गिलोई खिलाओ, आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं, गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। ओहो गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका, ये कल इसको आप डॉक्टर
कौन से डॉक्टर अंकल? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द है। मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ, मैंने कहा नहीं कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको नहीं, अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी। वो 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। ओहो, तो आप आ जाओ इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि 7 में जरूरी है ना, कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे, आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूँ, बात कराऊँ। हेलो, हाँ अंकल जी। हाँ जी अंकल जी, प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हुए जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे मैं ले जाता बेटे, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा है, घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो सर, आई एम प्रणव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक, एंड सर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आई मीन फेसबुक हैज बॉट व्हाट्सएप। या आई रेड द पेपर्स, इट्स रियली गुड, यू नो द वर्क यू आर डूइंग, इट्स fantastic, you know, that's really amazing, you know, hats Thank off you to Mark so Zuckerberg. Much hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion mein WhatsApp Facebook ne le liya. You say you remember humne Facebook 1 minute movie banaya tha, are you happy with this thing? That was really amazing, you know, that was such a new concept. Now what we are doing, hum WhatsApp 1 minute movie bana rahe hain aur usko aapke Facebook pe dal rahe hain, aapke WhatsApp ka movie bana liya hai, it will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, huh? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी WhatsApp में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच लिए। सारे फोटोज और वीडियोस। पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे। 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं। नाउ आई एम अपलोडिंग और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर। यस। वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है, वो समझ क्यों नहीं रहा तू? मिस्टर नारायण इनको शेयर कर दो सारे को। ओए प्रणब, ओ के बात सुन, मेरी तू कहाँ जा रहा है? यस सर। अबे वो वीडियो नहीं डाली, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पे? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार। शेयर यस। नहीं, पागल है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणब से बात करनी यार, वो प्रणब को बोल दो जल्दी से। प्रणब यस, somebody is calling you. Okay sir, we are sharing in. अबे मैं sharing तेरे एक एक की फाड़ दूंगा अगर मेरे WhatsApp की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण, अरे सुन प्रण, मेरी एक बार बात सुन, मेरी भाई सुन, प्यार से सुन, एक बार ना बस मेरी WhatsApp की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले। ओके, और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस। सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता यार। शेयरिंग अब मत कर शेयर, मेरे बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके नॉट शेयरिंग, भाई ये बताओ WhatsApp पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर WhatsApp मूवी बना दी और फेसबुक पे डाल दी। पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना। अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी कुमार जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। रे, कल मेरी वाइफ से बात हुई थी तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं, हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप।
मतलब 4:30 बजे तक वो ही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि उसमें मैं गई कड़ी पत्ता मांगा तो लोग काफी सपोर्टिव हैं। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता, देखिए मेरा मानना यह है, वैसे तो मैं आऊंगा किसी दिन रात बाद में, कि पड़ोसी देखिए आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर, आप मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए रिश्तेदार तो बाद में हम सोचते हैं, पहले पड़ोसी को बोलते हैं कि भाई हमें ये दो। सही एग्जांपल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई रिश्तेदार के पास, कहाँ भाई अब मान को रिश्तेदार चलता है, भाई पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना, अब भगवान का करम है आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप कड़ी आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी कड़ी पत्ता दूध पानी कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल 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 सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा हुआ है? पड़ा है कोई कॉन्डम कुमार जी? कुमार जी मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनके। हेलो, पानी 4:30 तक आता है? 4:30 सवा कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना कि इस दिन समय निकाल के चाय पीते हैं साथ में। हाँ हाँ सर बिल्कुल बैठेंगे, वो बैठेंगे। प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था, प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से प्लम्बर का नंबर दे देगी। यार यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार, पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना। नहीं नहीं सर बिल्कुल, मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो। अरे प्लीज एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ, अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो, ये अच्छा पड़ोसी नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है जब दूसरा पड़ोसी कहे भी कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके, टाइम नहीं लगाना चाहिए, शर्म किस बात की है, मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं 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 ना, तो आपको कॉन्डम भी नहीं आनी चाहिए, बस यही है, समझ गए, अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना उनको देव के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशु जी, मैं कौन से बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे हैं भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने SMS इस महीने ज्यादा किए हैं, बहुत ज्यादा किया है SMS जी, सारी दुनिया को मैंने SMS कर दिया, और ये कॉल किस लिए लगाई थोड़ा बताइयो। सर मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ, क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा। सर जैसे मैंने चेक किया आपका डेटा, ये बता रहा है आपने STD भी काफी करी है और एक दो ISD भी करी है। ये STD में पहले भी करता था और पहले मेरा बिल 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर आपने मुंबई जब आप गए हो आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़काए भैया, आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। ताकत एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? नहीं, नहीं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे, मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है।
Hello. Preeti, hi, I'm Rahul. Calling from clinic. Hi, how are you? I'm good. First of all, I want to ask you, आपकी जो surgery ये ऊपर वाली होंठ की, are you satisfied? कोई problem तो नहीं है? No, I'm okay. I'm ठीक है, सब कोई ज्यादा problem नहीं है, बस थोड़ी सी problem है. आपके केस में क्या था, ऊपर वाला होंठ थोड़ा लंबा था, उसको हमने छोटा किया है. अभी कुछ ज्यादा problem तो नहीं है? ऐसा कोई बड़ी problem तो नहीं है, बट जब खाना खाते टाइम या फिर स्माइल करते टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन फील होती है. वो अच्छा, स्माइल करते वक्त कैसे स्माइल करते हैं आप, जरा बताइए मेरे को. ई जैसे स्माइल करते हैं. ये आपने थोड़ा बड़ा कर, थोड़ा कम करिए. मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप मुझे स्माइल करके दिखाना, ठीक है? ठीक है. एक आदमी होता है, उसके 7 बच्चे होते हैं. वो अपनी बीवी से एक दिन पूछता है, यार ये हमारे 7 बच्चे जो है, इसमें से 7वां बच्चा जो है ये अलग है, डिफरेंट है, ये मुझे सच सच बता किसका है. तो बीवी कहती है, यही वाला आपका है. ज्यादा हो रहा है यार, ज्यादा हो रहा है. आपने ऐसे ई करके हंसूं बट. आपका होंठ किधर है, ऊपर वाला? ऊपर ही है. ही. बस इसको ऐसे कंटिन्यू रखिए, 2 महीने की पर प्रॉब्लम है. अच्छा मिस प्रीति, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? हां जी. अच्छा, अभी एक सर्जरी चल रही है, ये जो लेडी आई हुई है, जैसे आपका केस था ना, आपका लंबा था होंठ तो हमने छोटा किया है, इनका छोटा, इनको लंबा कराना है. तो आपका जहाँ से हमने होंठ काटा है, वो जो रखा, वो जो बचा हुआ होंठ है आपका, वो लगा दें इसके. क्या? आपका ऊपर वाला होंठ बड़ा था, हमने छोटा किया ना, तो वो थोड़ा सा काट दिया था. जो होंठ बचा हुआ है, जो हमारे क्लिनिक में रखा हुआ है, एक लेडी आई है जिनका छोटा होंठ है, उनको लंबा करवाना है, तो हम विदाउट परमिशन, कस्टमर की परमिशन के लगाते नहीं है. आपका होंठ लगा दूं उसके, जिसके छोटा है? ऐसा ना हो कल को आप आ जाओगे, मेरा होंठ वापस करो, मतलब फिर भी रेडियो बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, प्रीति आई एम सो सॉरी, मुर्गा बन गया मैं तुम्हारा. हेलो. हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग. हम एक सर्वे कर रहे हैं आपके, सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं. किस चीज का सर्वे है मैडम? ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा, इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं. हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है. एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा. क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस. यस पे टिक. क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? Yes. Yes, बेटे. क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस. बेटे, सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस. बेटे, अरे भैया सवाल सवाल फिर क्या फर्क रहे? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से. हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे. और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहने चाहिए? ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया. भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो. इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही. तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ. क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना. हेलो देवी सर, संतोष. कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर, अकाउंट्स में हूँ अभी. गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, सुबह में आप थोड़ा जल्दी में हो देना तो. जी बताइए सर. ये सुना आपने गुजरात में? क्या ये गुजरात में है ना, कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, प्लॉट, फ्लैट. हाँ सुना है मैंने. हाँ वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को, आधा किलो बर्फी है. हैप्पी दिवाली सर. हैप्पी दिवाली. हाँ हैप्पी दिवाली. ओके सर. हेलो दिव्य ज्योत जी. हाँ कौन बोल रहा है? कैलाश. कैलाश आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड, सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में एक दो बार देखे हैं. हाँ बोलो. वो सुने आप गुजरात में जो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा. हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का. एक तो आप, हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है. पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहाँ. हैप्पी दिवाली सर. हैप्पी दिवाली. हेलो. हेलो सर, हाउ आर यू? बताइए कौन बोल रहे हैं सर? सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में. हाँ बताइए.
आपने सुना ये सावजी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दी है। जानता हूँ मैं, जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया डेरी फूड का डब्बा सर। वैसे कितने थे इसमें डेरी फूड, क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था। मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे, कितने होंगे? ये एचआर ने करवाया था आप लोगों के लिए दिवाली के लिए, आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें मेरे ख्याल से, शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेट। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप हैं गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति। I am work with your company in the IT department. Yeah, Preeti, tell me. Sir, आपने सुना ही होगा गुजरात में सावजी भाई। हाँ जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। Actually, sir, one of my cousins वो उन्हीं के साथ काम करी है, सावजी भाई के साथ। So she called me up yesterday and she is really happy. Then she asked me कि मुझे क्या मिला है, and मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साबजी के साथ काम करने करने लग जाते हैं। सर वो उनका रिक्रूटमेंट नहीं, तुम लोग काम करने आते हैं यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो। किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेजिंग मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हुए हैं, ये काम करने आते। आप सोचिए ना, कोई अगर लड़की बहुत खूबसूरत हो दिल्ली में और जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसके लिए एक कुंवारा लड़का ही चाहिए, और कुंवारा लड़का हमारे पास ये बैठा हुआ है ना। मेरी जिम्मेदारी ये है कि उस लड़की की शादी में हमारे कुंवारे छड़े दिलजीत से करा दूँ। मुर्गा बनाते हैं, मधुमिता नाम है इनका, ये बंगाल से हैं। अब कराओ शादी। इसका बाला, उसका बाला, सबका बाला। मुर्गा मुर्गा, नकेल बाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। मधुमिता हाय। मधुमिता मैं नितिन बोल रहा हूँ। आलोक जी, आपके फादर के दोस्त आलोक जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे एक्चुअली आपने मैट्रिमोनियल में डाल भी रखा था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि, तो मैंने कहा भाई बच्ची है, घर की बच्ची है, हम बात कर लेते हैं। मतलब तो मेरे को थोड़ा सा बताएंगे किस तरह का लड़का देख रहे हैं आप, मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक नज़र में है, इनफैक्ट मेरे साथ ही बैठा है। मतलब तो सुमित गांगुली को फ़ोन दे रहा हूँ मैं, आप सुमित से बात करो, ठीक है? सुमित, ही इज़ मधुमिता, आप इनसे बात करो। Hey, hello, मधुमिता। आपने क्या मना चुके हो? आई एम सॉरी, आई नो। तुसी कर दे किया? जी? तुम्ही की करो? मैं जॉब करती हूँ मीडिया में। ओके 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 ओके। आप क्या करते हैं? नहीं तो नू मक्की दी रोटी बनानी होंदी। आई एम सॉरी, आई थिंक लाइन नहीं, लाइन ठीक है। वो पूछ रहे हैं मक्का की रोटी बनानी आती है, मक्का की रोटी? मक्का की रोटी नो, मक्की दी रोटी सरों दा साग, थानू आंदा बनाना? আপনি কি পছন্দ করেন করতে? হোয়াট ইউ লাইক ডুইং, হোয়াট আর ইউ হবি? মা বাসে পুছনা চাওদা ঘর চ হোর কোর কি কোন কোন আপনে? জি মতলব ঘর চ হোর তোড়ে কোন কোন নে? आप पंजाबी में मैं देखो आते हैं, परेशान आप हो गए होंगे। मतलब बता, ये ना सुमित गांगुली जो है, ये बचपन में जलंधर आ गया था। इसका पूरा परिवार जलंधर आ गया था। मतलब बता, मैं दिल्ली बुलाया, मैंने दिल्ली बुलाया, अभी ये रहा जलंधर में। मतलब बता, आप मेरी बात सुनो, देखो आप ठंडा सांस लो। आई एम सॉरी अगर आपको कोई बात हर्ट हुई है, लेकिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और ये हमारा छड़ा जो है ना, ये दिलजीत दुसांज है। अब आपसे शादी करने के लिए ना फाइनल हो चुकी है बात। हेलो हेलो मधु, हेलो मधु, आर यू देयर? या हेलो, दिलजीत दुसांज? ये हम ना प्रमोशन के लिए आए थे यहाँ पर मधु, तो इन्होंने मुझे पता नहीं ऐसे बोला कि आप ऐसे बात करो किसी, लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने रिश्ता कर तुम्हें काम करो, तुम शादी, तुम दिलजीत से शादी करने के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल पक्का, ठीक है दिलजीत? वो बिल्कुल तो रेडी है। मधुमेह मक्की की रोटी तक ही बनूंगा। बिल्कुल, ओह माय
माय गॉड आई कांट मधुमिता अभी बिलीव करो तुम्हें काम करो आई एम सो सॉरी मधुमिता हमने आपको तंग किया और इन्होंने मुझे इस क्राइम में मुझे इन्होंने अपना हिस्सेदार बना लिया है मधुमिता आई एम सो सॉरी अरे हमारी तो सुनी नहीं रही अब तो लड़का मिल गया मुबारक हो मधुमिता तुम्हें लड़का मिल गया थैंक यू सो मच हमारा छोटा तुम्हारा हो गया हेलो हाय सर मैं कोमल बोल रही हूँ आपसे दो मिनट बात करनी है मैं मीटिंग में अभी बाद में बात करते हैं तो कौन बोल रहा है सर मैं कोमल बोल रही हूँ मुझसे दोस्ती करोगे .com से अच्छा एक मिनट होल्ड करना जरा एक सेकंड रुको मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ बताओ सर हमें पता चला था आपने इंटरेस्ट लिया था मुझसे दोस्ती करोगे .com से आप करना चाहते हैं दोस्ती हाँ जी बट मुझे चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले सर चार्जेस की फिक्र मत करिए आप सर आपको एक बात बताऊं आप मेरे बॉस को तो नहीं बताएंगे अरे नहीं बताऊंगा यार यू कैन ट्रस्ट मी बताओ ना बोलो अब तो दोस्त हैं हम आई नो एंड आई लव यू सर कान इधर लाइए ले आया सर प्लीज और करीब आइए और करीब आ गया आप सुनिए सर आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो लोग देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका मुर्गा बना रही हूँ और एक्चुअली क्योंकि डेकेड खत्म हो रहा है और स्पेशल मुर्गा है तो इन सब का बन रहा है मुर्गा पंकित क्या कहते हो तुम मतलब साल में कुछ तो 10 साल में ऐसा हो ना कि अब रोज बनता था तो यही हंसते थे आज इनका बन रहा है तो कैसा लग रहा है पंकज है ना जब सबका बनता है तो बड़े दांत फाड़ते हो अब सुनो किसी को मत बताना फॉरवर्ड करते रहो लोगों का न्यू ईयर मनाते रहो ओके अभिषेक मेघा शिवम और पंकज जो लाइन पे हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर अच्छा लेकिन सुनो बोल रही हूँ कॉल करती रहना मुझे मैं करती रहूंगी हेलो बेटे ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है हेलो जी आप कौन रक्षिता हाँ जी बेटे मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है कैसे हो बेटे मैं ठीक हूँ आप बताइए मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब तो कम दिन रह गए तैयारियाँ चल रही हैं बेटा अक्षिता मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है क्या पसंद छोड़िए ना अरे नहीं मेरे को अरे कोई वो नहीं है मैंने फोन ही इसलिए किया है बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है बता नहीं आप रहने दीजिए ओ हेलो मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी अमित नहीं अरे यार मेरे को पता है यार बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस ज्यादा पसंद है हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजो जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी तो नेकलेस लीजो ठीक है गो फॉर नेकलेस ओनली ठीक है ना नेकलेस गो फॉर नेकलेस मतलब कभी भी वैसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई अमित कभी जमा करे फ्यूचर में या तुम दोनों मिलके करो नेकलेस ही लेना बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना ओके जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी हाँ नेकलेस लेना बेटा ठीक है बहुत प्यारी है फिर ठीक है I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Although my heart is falling too Hello wrong number again क्या रॉन्ग नंबर है क्या रॉन्ग नंबर नहीं है भाई कौन बोल रहा है अच्छा रॉन्ग नंबर नहीं है तो जरा मुकेश जी से बात कराना मुकेश जी से कौन मुकेश जी मुकेश नौटियाल जी नहीं भैया यहाँ मुकेश जी नहीं रहते कोई रॉन्ग नंबर अच्छा पहले पूछ रहा था तुझसे रॉन्ग नंबर है तो नहीं बोला गया था गधा है क्या तू मैं शुरू में मैंने तुझसे पूछा क्या है भैया दांत तोड़ूंगा
क्या बदतमीजी कर रहा है तू? नहीं, मैंने शुरू में पूछा था रॉन्ग नंबर है तो क्यों नहीं बोला था आपने? अबे नहीं है मेरा रॉन्ग नंबर। तो फिर मुकेश जी से बात कराने मेरी? मुकेश जी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर तो है। मैंने शुरू में तो से पूछा था रॉन्ग नंबर है तो तू क्यों नहीं बोला जब तो कह रहा था राइट नंबर है? फोन रख भेंचो, मुकेश जी नहीं है यहाँ पर। मुकेश जी नहीं है, रॉन्ग नंबर है, कह तो रहा हूँ। पहले तो से पूछा था रॉन्ग नंबर था, तू तो पहले क्यों नहीं बोल दिया? हेलो, एक बात बता, बस ये पूछने के लिए फोन किया है, जब तू ये नंबर ले रहा था तेरे को पता नहीं था ये रॉन्ग नंबर है, सही वाला ले लेता? ये रॉन्ग क्यों लिए घूम रहा है तू? साले कौन है तू, मान जा या तू रॉन्ग नंबर मिला रहा है ये? जब तूने लिया तो राइट नंबर लेता ना, क्यों रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है? थैंक यू, फोन कर दिया ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। हेलो अंकल। हाँ जी अंकल, तृप्ति है? कौन तृप्ति? तृप्ति वालिया। नहीं मैडम, रॉन्ग नंबर है। देख, अभी भी रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है, मैंने कहा था ना मैडम, मैंने चक्कर लेके फोन कराया, रॉन्ग नंबर लेके वही आके मारूंगा। देखा, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है मैडम, देखिए ये बदतमीजी है। हेलो, हाय दिव्या, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज़्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन, आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल, गुड लक दिव्या। रंग दे तू मोहे, ये देखिए, ये अपना रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है इसमें खास तौर से जो है उन्होंने लगाया। हेलो हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है, कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा शुरू की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरह से। एक मौका दीजिए, मैं भी। देखिए मौके की बात ये, सुनिए मेरी बात सुनिए, मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें, एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ हैं सदा। अपना जरा बताओ इन्हें, जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है, एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपना अपना मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठा इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ। सुभान अल्लाह, कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची, दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरा गाना, चन्ना मेरा, ठीक है ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या, इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज़ फोन पे मुझे, मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो, मैं बताऊं तुम्हें सुर कैसे पकड़ो, सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ 18 तारीख को, इसी 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह, हेलो हेलो मैडम, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खासतौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आया है, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो।
मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अमित अमित तेरी वाली आ रही है, कामनी कामनी हाय किधर, जस्ट गो टू हेल। ओके ओके सॉरी। यस मैडम आप बोल रही थी, किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? अपराध तो नहीं कह सकते मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम मैडम आई एम सो सॉरी जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि छेड़। मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड। राजेश राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी। सर्वे कर रहे हो उल्लू के पट्टे खुद तो नहीं, नहीं, कुछ नहीं है यहाँ आप समझते कौशल्या कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में मुर्गी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं नावेद मैं कुछ कहना चाहती हूँ खुदली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाय अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रांग। एंड सेकेंडली मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है, मैं actually office Mumbai में बैठता हूँ. So and congratulations, you are going to Bangkok, huh, company? Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था sales head से और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे employee करते हैं तो why not हमको वो ही करना चाहिए. बट गौरव मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेजिए क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। बट गौरव आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर, सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 लाख्स। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे, आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया। हार्ड वर्क सबने किया लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु विनीत और आशुतोष इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव की ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ, आप लेके जाइए उनको, राइट? एंड हैव फन। नहीं सर मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बीमार है तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ, तो कह रही पता नहीं मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ है? ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करे, यू नो बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं नहीं सर अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं, देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी है, अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं मेरा यहाँ रुकना। नहीं सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर।
हेलो हाय गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप, आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं? आप क्या कर रहे हो फोन? जब ना पता चली तो ये आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहा फोन? नहीं आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरा आदमी क्या कह रहे हैं। सॉरी मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि खराब फोन आपका फायदा, अब तो हम तो उतर गया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या आप जो जो ये, ये, ये बता हमें, तू भैया कभी खुद ही बैठा हो जहाज में? आज मैं बैठा आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या सर प्रॉब्लम क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा फोन कर रहा। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना, मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना चीजे तो ना लग रहा तू हमें, अब तू हमारे मुझसे सुनना चाह रहे आप बता रहे हैं। देख अरे भैया जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आपसे? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाने की तो उसने बात ही ना कही, खाने की कब कही उसने? उसे पूछ के देख लो तू, तू उसके क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका, उसे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग नीचे आगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को, एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई, तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा, जितने और जो सवारी बैठी उन्हें फोन कर। उसने कही कितनी सवारी है, यू कह रही चार गेट खुल जाएंगे और गेट ना खुला साला, एक पागल बना हुए साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। कर मत कर, मैं तो भाभी क्या कहा है, यहाँ भी जो जो नीचे तेरा काउंटर था भाभी का, अब तेरे फोन तो भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी, ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है, तुमने क्या साले सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा साला को वो भी ले आए और ये भी ले आए साला। जल्द दोबारा फोन मत करियो, ठीक है? हेलो बेटे महिमा। जी महिमा। बेटे मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपकी पापा से ही बात करवाती हूँ।